सुदामा जी बार बार आवाज लगाते तो हर बाल। अब जाकर के कन्हैया से बोल दीजिए कि आपसे मिलने एक सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है और वो बोलता है कि वो मेरे मित्र हैं। मित्र का नाम जो ही लिए रे सुदामा जी। द्वारपाल का कहे पागल दिमाग काम नहीं करता है क्या? और यह है कुसो चौरसिया जी, हमारे कुसो बाव के माता जी हैं। इनके ओर से भी 50 रुपया का आशीर्वाद आया है। मां के चरणों में बार बार प्रणाम। सुदामा जी जो ही कहा कि भगवान कृष्ण मेरे मित्र हैं, द्वारपाल का दिमाग काम नहीं करता है। हमें जो कह दिए नीतीश कुमार हमार दोस्त ये कोई पति थे हैं? लेकिन कबीरदास जी की पंक्ति है, कोई न पतिया है लोगमा, कोई न पतिया है लोगमा, कोई न पतिया। सच बात कहबे तो कोई न पतिया है, झूठो कह दियो जो अपने के नाम पर 18 इंदिरा आवास आवे वाला छे बुझ गेल की जानकारी लोग छे। झूठ बोल दियो अपने के नाम पर 18 इंदिरा आवास पास होय वाला छे बुझ गेल की बड़ा आदमी छे झूठो। सच बोलियो मेरे पतिया। एक बहन जी के ओर से 51 रुपया का दान आया है कन्हैया जी के दरबार में। आप जिस भाव से दान दिए हैं भगवान आपके भाव और भावना को पूरा करेंगे। कोई न पतिया है लुकमा, कोई न पतिया है लुकमा, कोई न पतिया, कोई न पतिया है। बघवा क्या बचवा बकरिया ने
बघवा के बचवा बकरिया लेने जाए लोगवा कोई नहीं पति आए। और यह है धर्मदेव जी की धर्म पत्नी जिनके ओर से 21-31 रुपया का दान आया है। यह हमारे बड़े भैया अशोक कुमार जी, इनके ओर से भी 51 रुपया का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। और ये धर्मदेव बाबू के पत्नी के ओर से 31 रुपया का दान आया है। बेचारे इनका बाल बच्चा जो जिलेबी बनाता है, हमारा कारगर जिलेबी है, बेला चौक का जिलेबी नामी जिलेबी है। हम लोग जहां के भी जाते हैं तो जिलेबी का चर्चा करते हैं। और यह है संतोष प्रसाद केसरी जी, सिमरी बख्तियारपुर। सिमरी बख्तियारपुर में कहां हो? सिमरी है। ओ हमरो गंज पर ससुराल छे। और ये संतोष भैया की ओर से 51 रुपया का दान आया है। आप जिस भाव से दान भेजे हैं भगवान आपके भाव और भावना को पूरा करेंगे। और आगे देखिए, धक्का मार करके द्वारपाल भगा दिया, चुट्टा कहेगा भागो। सुदामा जी कहते ना माथे पर है पगड़ी न तन पे है जामा, अपना नाम बता बत सुदामा, अपना नाम बता बत सुदामा। सुदामा जी कहते कन्हैया मैं तुम्हारे दरबार में नहीं आ रहा था, लेकिन सुशीला मुझे जबरदस्ती भेजाया, इसलिए मैं आया। और यहां जब आया तो यहां तुम्हारा द्वारपाल तो हम सबको धक्का मार करके भगा रहा है। सुदामा जी कहते हैं माना कि अधर्म हूं, ऐ कन्हैया माना कि अधर्म हूं, तूने लाखों को ताड़े, माना कि अधर्म हूं, तूने लाखों उतारे, मेरे लिए फिर देर किस लिए है, मेरे लिए फिर देर किस लिए। सुदामा जी कहते कन्हैया तुमने लाखों को उतार दिया, आज तुम्हारा दोस्त सुदामा आया है तो तुमने धक्का मार मार करके निकलवा रहा है, तुम्हारे दरबार का यही नियम है। लेकिन सुदामा जी मार खा खा करके अपने जीत को नहीं छोड़ रहे। सुदामा जी कहते द्वारपाल मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप ये मेरा समाचार मेरे कन्हैया तक जरूर पहुंचा दीजिए। कुछ द्वारपाल कहा कि भैया जब ये बूढ़ा जिद करता है तो इनके बात को मानने में क्या हर्जा है। चलिए भैया। और सुदामा जी बैठ करके रोते कन्हैया तुम नटखट था बचपन अवस्था में, तुम बदमाशी करता था, मैं तुम्हारे लिए एक गाना बनाया था। सुदामा जी आंख से आंसू बहा रहे हैं लेकिन हंस हंस करके गा रहे हैं। सुदामा जी के बारे में भगवान कहते हैं कि सुदामा तुम सखी के साथ बदमाशी करता था, उस समय की बात मैं तेरा जानता हूं रे। चलल ने जाला ते पांव थक जाला, अरे रैया देखे काना जी हो, रैया देखे काना जी। रे बचपन में तुम क्या करता था मैं जानता हूं, एक एक बात को जानता हूं कृष्ण। चलल जाला ते पांव थक जाला, अरे रैया देखे काना जी हो, रैया देखे काना जी। यही रे जगैया मटकी फोड़ के काना जी, यही
जब ये बूढ़ा नहीं मानता है तो चलिए भगवान तक ये समाचार पहुंचाते हैं। एक सिपाही जाकर कहा कि प्रभु एक सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है। सुदामा का नाम सुनते भगवान चौंक गए। कहा सुदामा आया है क्या बोला तू? तो द्वारपाल कहा शीश बगान झगा तन पे प्रभु पाही पाही नहीं अभिराम पूछत दीन दयाल के दाम अपना नाम बता मत सुदाम। बुढ़ारी में अगर कोई आदमी मोटा जाए तो मरला के बाद घिसेट हो जे लहास मोजन बुझाए टांगे वाला जल्दी तैयार नहीं हो। भगवान के सामने सिपाही कहा कि मालिक शीश पगा ने झगा तन पे प्रभु पाही उपाही नहीं अभिरामा पूछत दीन दयाल के धाम अपना नाम बतावत सुदामा। एक ब्राह्मण आया है बदन पर कपड़ा नहीं है पांव में जूता नहीं है सर पे ताज नहीं है और वो बोलता है कि भगवान कृष्ण हमारे मित्र हैं और हमारा नाम सुदामा है। सुदामा काजी द्वारपाल के मुंह से निकला सुदामा नाम महल चोर कर तोर बने बंसी बने घनश्याम। सुदामा जी आवाज लगाते हो कन्हैया आ जाना 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 आना आना हमारे सनका आना आना हमारे सनका हमारे घर आ जाना आना आना हमारे सरकार भजन में आ जाना आना आना हमारे सरकार भजन में आ जाना। से बनने लगी कभी कभी दर्शन देना तो मुरारी जब हमसे बनने लगी कभी कभी दर्शन देना तो मुरारी जब हमसे बनने लगी कभी कभी दर्शन देना तो मुरारी आना आना हमारे सनकार आना आना हमारे सनकार भजन में आ जाना आना आना हमारे सनकार भजन में आ सुदामा जी आवाज लगाते हैं आना आना हमारे सरकार भजन में आ जाना
जब हद से बढ़ने लगी बेकरारी, कभी कभी दर्शन देना तू मुरारी। बगल हो जाओ, अच्छा अच्छा अच्छा। सुदामा जी चिल्ला रहे हो कना? भगवान जो सुदामा जी का नाम सुने लंगे पांव दौड़ गए। सुदामा 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 कह करके भगवान जो दौड़े, भगवान के पीछे ढेर सारे तलवारी कर्मचारी दौड़ गए। सुदामा जी जो दरबार के आगे बैठे थे ने, सब आदमी जो दौड़े, सुदामा जी नीचे गिर गए, कुचल करके सब आगे चले गए। सुदामा जी कहते कन्हैया आपके दरबार में इसी तरह होता है क्या? मैं आपसे मिलने आया, आपका दरबारी कर्मचारी हमको कुचल करके आगे चला गया।